हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा बैल्कनी का मिनिमल एक डेकोरेशन, साथ में गार्डनिंग का कुछ काम जो रिपॉटिंग वगैरह है वो अतनु कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था कि कुछ प्लांट हम लोगों ने शॉपिंग किया था, उसका रिपॉटिंग नहीं हुआ था, तो वही रिपॉटिंग करके अभी इसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करना है। जब भी मैं बैल्कनी को ऑर्गेनाइज करती हूँ, डेकोर करती हूँ, तो इसमें ज़्यादातर वो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो अतनु का रहता है, क्योंकि सारे प्लांट को रिपॉटिंग करना, उसका सही से टेक केयर करना, ये सब अतनु ही करता है। मैं थोड़ा बहुत डेकोरेशन में मदद करती हूँ अतनु को, क्योंकि मुझे सजाना बहुत अच्छा लगता है, गार्डनिंग मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरे से ज़्यादा अतनु को पसंद है। मेरा जो लास्ट वाला बैल्कनी डेकोरेशन का वीडियो है वो आप सबने बहुत पसंद किया था, थैंक यू सो मच इसके लिए। और उस टाइम अतनु ने ना बहुत ही प्यार से और मेहनत से एक फेंस बनाया था जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, वो भी बनाने में बहुत टाइम लगा था। तो थोड़ा थोड़ा करके, मतलब जब भी अतनु को टाइम मिलता है तो ये सब कामों में अतनु अपना टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट है उसको रिपॉटिंग करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। पहले तो हमने सोचा था कि वाइट कलर का जो पॉट है उसके अंदर डाल के हम लोग ऊपर रख देंगे, ये ना इसका लुक इतना अच्छा नहीं आ रहा था, तो हमने डिसाइड किया है कि चलो जो पहले था वही कलर का पॉट ऊपर रख देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कभी कभार होता है ना, जो चीज पहले से रहता है वही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हमने डिसाइड किया है कि ये जो पॉट है उसी कलर का पॉट पूरा ऊपर हम लोग रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। कुछ कुछ प्लांट है उसका रिपॉटिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया था, अभी छोटे वाले पॉट में ना ये नहीं रहेगा, तो इसीलिए उसका रिपॉटिंग करेंगे। तो बालकनी का पूरा रिपॉटिंग तो हो गया है, सारे गमले जो जिसको जहाँ रखना है वो हमने रख दिया है, लेकिन ये तुलसी माता का जो पौधा है ना एकदम से सूख गया है। सूखा वाला तुलसी माता का पौधा रखना नहीं चाहिए, तो आज हम लोग इसको चेंज करेंगे। और एक गमला है जिसको खाली करना है, जिसमें एरिका पाम प्लांट था वो एकदम से ख़राब हो गया था, उसको भी हम लोग हटा देंगे। और हम लोग ना हर साल इसी टाइम पे तुलसी का जो पौधा रहता है वो चेंज करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा भी हो गया था और एकदम से ड्राई हो गया था, तो ड्राई वाला रखना नहीं चाहिए, तो छोटा सा एक पौधा हम लोग लगा रहे हैं। इस बार ना मैंने नीचे एक ट्रे रख दिया है, क्योंकि पानी ना नीचे आता है और मिट्टी वाला जो पानी है वो वॉल पे लग के ना वॉल का पेंट वो ख़राब हो रहा था, तो इसीलिए मैंने एक ट्रे नीचे डाल दिया है। सो ये भी हो गया है। और ये वाला तुलसी का जो मंदिर है ये हमने लोकल नर्सरी से लिया था, हमारे घर के पास वाला। और नीचे ना हमने जो बड़ा वाला प्लांट है वो सब रख दिया है एक साइड में, और इस बार हम लोगों ने छोटा वाला गमला यूज़ किया है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने यूज़ किया था बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो बहुत भारी हो जाता है, उसको मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसको ना हटा के कभी भी मैं क्लीन भी कर सकती हूँ। तो अभी फाइनली नीचे का जो फ्लोर है इसको मैं क्लीन कर लूँगी। और अभी ना हमारे बैल्कनी जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बैंगलोर पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट दो तीन दिनों से ना हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा है, तो वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है। तो इस टाइम पे ना ज़्यादातर टाइम हम लोग बैल्कनी में ही स्पेंड करते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो बैल्कनी को अच्छी तरह से सजा देते हैं, तो थोड़ा बैठने में भी अच्छा लगेगा। और हमारा पहला वाला जो झूला था उसको हमने चेंज किया है, इस बार थोड़ा सा वाइट एंड ब्लू कलर में हमने लिया है। ये जो झूला है ना इसमें बैठने में थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल है। पहला वाला ना पीछे का पोर्शन थोड़ा सा छोटा था, तो बैठने में थोड़ा मुश्किल होती थी, और ये वाला कुशन मैंने लिया है इस स्विंग के लिए ब्लू कलर का,
ये ना काफी मैच हो रहा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है ना। इसका ना पीछे का पोर्शन थोड़ा सा ब्रॉड होने के कारण ना जब हम लोग बैठ रहे हैं तो पीछे इतना मुश्किल नहीं हो रहा है। इवन अतनु भी बहुत ही आराम से बैठ रहा है, और ये ना बहुत ज्यादा वेट भी ले सकता है। तो ऊपर का जो हुक हमने लगाया था लास्ट टाइम, ये सच में बहुत ही ज्यादा मतलब मजबूत है। पहले तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन अभी अतनु भी बैठ के आराम से मतलब झूला झूल सकते हैं। तो ये काफ़ी मजबूत है और सबके लिए बैठने के लिए बहुत ही इजी भी है। सो अभी ना हम लोग लाइट को फिक्स करेंगे। ये वाला लाइट जो हमने शेयर किया था आइकिया से हमने लिया था, वही लाइट को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। और रात में इसका लुक जो है और भी अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, लाइट बिल्कुल ठीक ठाक ही रहता है। सो ये रहा हमारा लाइट का फाइनल लुक। लाइट लगाने का काम तो ख़त्म हो गया है, सो इसका लुक जो है वो रात को ही ज़्यादा अच्छा लगेगा दिखने में। तो चलिए बाकी का डेकोरेशन भी कर लेते हैं। इस बार ना मैंने ग्रास कारपेट का जो पोर्शन है वो बहुत ही छोटा रखा है ताकि इसको मैनेज करना बहुत इजी हो। और उसके ऊपर जो चेयर मैंने अमेजोन से लिया था उसको रख दिया है। जो जो चीज़ मैंने ऑनलाइन परचेज किया है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और इस बार का डेकोरेशन सबसे खास इसलिए है क्योंकि इस बार मैं अपने गार्डन के ही फ्लावर से डेकोरेट करूँगी। ये दो फ्लावर था तो मेरा काफ़ी दिनों से मन था कि ये दो फ्लावर मैं गार्डन में ही डेकोरेट करूँगी। काफ़ी टाइम से ना जब भी ऐसा फ्लावर होता है मैं ऐसे घर पे रखती थी, सो आज मैंने गार्डन पे रखा है और इसके ऊपर ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये है मेरी बैल्कनी गार्डन का न्यू लुक जो कि दिन में कुछ इस तरह का दिखता है। सो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। थोड़ा सा मैंने मिनिमल डेकोरेशन किया है, बहुत ही कम चीज़ों से मैंने सजाया है। और मतलब नॉर्मली जो चीज़ यूज़ होता है मेरा, जैसे यहाँ पे बैठना, बैठ के बातें करना, थोड़ा सा चाय टाइम स्पेंड करना, सो ये सब के लिए मैंने बैल्कनी को रेडी किया है। आप लोगों को मेरा इस बार का डेकोरेशन कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।